Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizan Bhatt and I'm teaching at Boys Higher Secondary School Harel. This for class 10 subject science and my today's topic is aldehydes. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है aldehydes. तो कल हमने alcohols के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना. तो आज हम पढ़ेंगे aldehydes के बारे में, ठीक है ना. तो जो ये aldehydes है ये वो organic compounds है जिनमें जो functional group होता है organic compounds containing CHO as functional group. वो organic compounds जिनमें CHO functional group होगा इनको हम नाम देते हैं aldehydes. इनको हम नाम क्या देते हैं? Aldehydes. Their general formula is, इनकी जो general formula होती है वो क्या होती है? Their general formula is CnH2n O. ये है इनकी जनरल फार्मूला CnH2NO. तो अगर हमारे पास है इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n 1 के बराबर है तो फार्मूला मिलेगी हमें C1H2 into 1 O. तो फार्मूला मिलेगी C2 1 2 H2O. तो इसकी स्ट्रक्चर होगी HCH2O, ठीक है ना. तो ये है पहला मेंबर. इफ एन इज इक्वल टू टू तो यहाँ पे जो मेंबर होगा इट इज C2H, यहाँ पे 2 into 2 O, ठीक है ना. तो ये हमें मिलेगा इट इज C2H4O. तो हम लिखेंगे ऐसे इट इज CH3CHO हो गई C2H4, 3 और 1 हो गई 4 O, ठीक है ना. ऐसे ही इफ n इज इक्वल टू 3 तो C3H2 into 3 O. तो ये है C3H6O. तो हम लिखेंगे CH3CH2CHO, 3, 2, 5 और 1 हो गई 6 हाइड्रोजन, ठीक है ना. ऐसे हमारे पास इफ n इज इक्वल 4 तो ये है C4H2 into 4 O. तो ये बनेगा C4H8 4 into 2 H8O. तो ये है CH3CH2CHO, ठीक है ना. अब इनका जो नाम होगा, नाम तो पहला जो मेंबर है यहाँ पे अब वो क्या है, पहला जो मेंबर है हमें देखा दैट्स HCHO. तो इनका जो IUPAC नाम होता है, IUPAC नाम दैट इज अल्केनल्स. हम अल्केन का जो ई है इसको ड्रॉप करके वहाँ पे अल डालते हैं, ठीक है ना. तो ई को ड्रॉप करके वहाँ पे अल डालते हैं तो ये बनेगा अल्केनल, ठीक है ना, अल्केनल. तो फर्स्ट मेंबर जो है वो है HCHO. तो यहाँ पे जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम के लिए हम यूजुअली लास्ट पे एंडिंग में इस्तेमाल करते हैं aldehyde वर्ड, ठीक है ना. लेकिन इन aldehydes में जो पहले दो है इनका कॉमन नेम ज़्यादा मशहूर है एज कम्पेयर टू दियर IUPAC नेम, ठीक है ना. तो इसका जो कॉमन नेम है वो मैं लिखूँगा यहाँ पे, एंड दैट इज फॉर्मल्डिहाइड है इसका कॉमन नेम, ठीक है ना. इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड. तो पहले दो का आपको याद रखना है, ये है फॉर्मल्डिहाइड. तो IUPAC नाम अगर हम यहाँ पे इनका देंगे तो वो क्या है, इनका IUPAC नेम अल्केनल. तो अल्केन पेरेंट कौन है, एक कार्बन वाला, दैट मीन्स मीथेन. तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेथनल. मीथेन का ई हम रिप्लेस करेंगे अल से, सो इट बिकम्स मेथनल. ऐसे ही हमारे पास दूसरा मेंबर है CH3CHO, ठीक है ना. तो इसमें दो कार्बन है तो ये इथ है ना, पेरेंट है इथेन. तो ये
उसका ई हम रिप्लेस करेंगे अल से, तो ये बन गया एथनॉल, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज एस्टाल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड। CH3CHO इसका कॉमन नेम क्या है, एस्टाल्डिहाइड है। HCHO इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड और एस्टाल्डिहाइड इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके कॉमन नेम्स, क्योंकि लोग इनको इनसे ज़्यादा जानते हैं एज कम्पेयर टू मेथनॉल एंड एथनॉल, ठीक है ना। तो ये है यहाँ से IPAC नेम, मेथनॉल एथनॉल। ऐसे हमारे पास थर्ड मेंबर जो है दैट इज CH3CH2CHO, ठीक है ना। तो कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन है। तो ये है प्रोपेन पैरेंट, तो ई रिप्लेस करेंगे अल डालेंगे, बन गया प्रोपेनॉल, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास CH3CH2CH2CHO, एक दो तीन चार। तो यहाँ पे ब्यूटेन है पैरेंट, उसका ई रिप्लेस करेंगे तो अल डालेंगे, बन गया ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। एक पॉइंट आप जहन में रखिए कि जो ये ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप CHO, इट इज ऑलवेज टर्मिनल। ये कहाँ पे होता है, एंड पे होता है, चाहे इस साइड पे आप दिखाइए या इस साइड पे दिखाइए, लेकिन एंड पे होता है, बीच में नहीं होता है, चैन के बीच में ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये था मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है ना। आपको NCERT पे एक क्वेश्चन, आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, वो ये है कि आप हेक्सानॉल का स्ट्रक्चर बनाइए, हेक्सानॉल, ठीक है ना। तो हेक्सानॉल का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, हेक्सानॉल का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, हेक्सानॉल का स्ट्रक्चर हम काम करेंगे, हम पहले हेक्सेन, जो हेक्सेन, हम जो पेरेंट हेक्सानॉल मींस इसका जो पेरेंट है दैट्स हेक्सेन, इसका पेरेंट जो है दैट्स हेक्सेन, पेरेंट है हेक्सेन। तो इसका मतलब है हमें छह कार्बन पहले दिखाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छ, दो तीन चार पाँच छ, ठीक है ना। तो इसमें जो कार्बन नंबर सिक्स है वो इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आप आपको एक फंक्शनल ग्रुप रखना है एल्डिहाइडिक, ठीक है ना, चाहे वो आप यहाँ पे रखो या यहाँ पे, मैंने पहले ही आपको बताया वो टर्मिनल होता है। तो चलो हम रखते हैं यहाँ पे CHO ग्रुप, ठीक है ना। अब इन कार्बन की हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हेक्सानॉल इसका मतलब इसका पेरेंट है हेक्सेन, तो हम छः कार्बन डालेंगे, ठीक है ना। छः में से जो लास्ट पे है उस पे डालेंगे हम फंक्शनल ग्रुप CHO, मीन्स कि वो कार्बन इंक्लूड हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप के साथ, इट इज CHO। अब क्या रह गया, यहाँ पे CH3 ऐसे है इसकी स्ट्रक्चर ना, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर किसकी, अब हेक्सानॉल की, हेक्सानॉल। ऐसे ही अगर आपको बोला जाएगा हेप्टानॉल की स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हेप्टेन, पहले सात कार्बन डालने हैं तो लास्ट को इंक्लूड करना है फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है ना। तो अगर आप देखो ये जो यहाँ पे ये कार्बन जो है इसकी वैलेंसी कैसे फुलफिल होती है, तो ऐसे देख लीजिए कि यहाँ पे ऐसे ये कनेक्टेड है इस चैन के साथ, तो ये कार्बन ऐसे होता है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है, ये सिंगल बॉन्ड एच के साथ बनाता है। तो कार्बन की वैलेंसी होती है चार, तो यहाँ पे इसने दो बॉन्ड्स बनाए ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड है कनेक्टेड टू दिस कार्बन, ठीक है ना, इस कार्बन के साथ। सो दिस द स्ट्रक्चर ऑफ CHO की स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें कार्बन के पास कैसे चार बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एल्डिहाइड्स। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कीटोन्स, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी उसी दिन देखेंगे, ठीक है ना। सो उसके बाद दो तीन टॉपिक्स अभी है इस यूनिट पे पेंडिंग, ठीक है ना। तो वो भी इंशाल्लाह हम तकरीबन इस हफ्ते में हम इनको कंप्लीट करेंगे इस यूनिट को, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।